मेरे ग्रैंडफादर रेलवे से रिटायर हुए हैं आफ्टर 37 इयर्स ऑफ सर्विस। कुछ साल पहले 7th पे कमीशन के हिसाब से उनकी पेंशन इंक्रीज होनी थी, लेकिन कुछ कारण से नहीं हुई। हमने मेल लिखे, एप्लीकेशन लिखे, DRM ऑफिस के कई सारे चक्कर लगाए, लेकिन 6 महीने के बाद भी हमें केवल और केवल मिला आश्वासन। उसके बाद मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें मैंने 2 सवाल पूछे। नंबर 1, पेंशन रिविजन का करंट स्टेटस क्या और उसमें डिले क्यों हो रहा है। सेकंड, कौन कंसर्न्ड ऑफिसर है और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, RTI फाइल करने के विद इन 3 डेज DRM ऑफिस से चला के हमारे पास फोन आ गया। 7 दिन में सारा पेपर वर्क हो गया एंड विद इन 30 डेज न सिर्फ रिवाइज पेंशन बल्कि पुराना सारा एरियर भी क्लियर कर दिया गया। RTI एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और जो लोग जानते भी हैं वो इसे यूज करते हैं कंप्लेन करने में या अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने में, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप RTI को ट्रूली यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको सीखना होगा राइट क्वेश्चन पूछना। मैं आपको नीचे पिन कमेंट्स में कुछ लिंक दे रहा हूं, इंक्लूडिंग 1 अमेजिंग प्रैक्टिकल कोर्स ऑन RTI बाय RTI एक्सपर्ट एडवोकेट नमन मोहनोत।